गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेटे सर्कल्स की एक और अच्छी वाली थ्योरम को समझने जा रहे हैं। एंड आई होप कि जितनी मैंने अभी तक थ्योरम्स को अपलोड करा है एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में, आप सबने अच्छे से देखा होगा, ऑल्सो एंजॉय करा होगा। ठीक है, तो आज की थ्योरम क्या कहती है हमारी? आज की थ्योरम कहती है, ध्यान देना स्टेटमेंट पर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अच्छा, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक सर्कल बना है तो उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर उसकी एक रेडियस भी होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसके क्या हैं, उस सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं, है ना। जो मैंने कह दी ये सी डी और ए बी, ये दो कॉर्ड्स बनी हुई है, ठीक है। ओके, तो ये इक्वल हैं, पहले से इक्वल हैं। हमें क्वेश्चन भी गिवन है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन भी गिवन है और हमें ये बताना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर से आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे एक मिस्टेक सी हो गई है, यहाँ पे सर्कल की जगह, सुनने वाले अच्छे से करेक्शन कर लेना, सर्कल की जगह सेंटर कर देना, ठीक है ना। हाँ, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सर्कल नहीं है सेंटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स है ना, ये जो हमने दो कॉर्ड्स बनाई हैं सी डी और ए बी, ये पहले से इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और हमको ये प्रूफ करके लाना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है। इसका मतलब ओ से ये इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर होगा और ये वाली कॉर्ड ओ से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर होगी। और इन अदर सेंस अगर हम समझें कि इस कॉर्ड की ओ से डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इस कॉर्ड की ओ से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही होगी, ये कॉर्ड ओ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। अब समझ में आई बात? तो ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें। अच्छी थ्योरम है बेटे, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। आप कहोगे सर रेडियस तो है ही नहीं है, चलो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। और क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में? सबसे पहले देखा करो गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो और क्या क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो कि सर सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी और ए बी भी आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक डाइजेस्ट हो रहा है सबको? ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इस कॉर्ड की सेंटर से, ये कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है और ये वाली कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है। इसका मतलब मुझे ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है कि ओ एम ओ एल के बराबर होगी, है ना, या फिर ओ एल ओ एम के बराबर होगी, जो आपको सही लगे। समझ में आई बात? चलो अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, बिना कंस्ट्रक्शन के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने ओ से सी को ज्वाइन कर लिया, ओ से सी को ज्वाइन कर लिया, और अब जब मैंने ओ से सी को ज्वाइन करा तो आपके मन में एक बात दौड़ जानी चाहिए दिमाग में कि सर ये तो रेडियस हो गया। क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। सिमिलरली मैं ओ से ए को ज्वाइन कर दूंगा तो आप कहोगे सर ये भी रेडियस हो गया। हो गया, अच्छा। अब आप कहोगे कि सर ये आपने 90 डिग्री एंगल क्यों बनाया है, यहाँ पे जब आपने यहाँ से लाइन इसको ज्वाइन करा तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंगल क्यों बनाया है, एक बात मन में आ रही होगी ना। तो इसका आंसर ये है कि इससे पहले वाली जो थ्योरम है जिसमें मैंने ये बताया है कि जब आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर छोड़ते हो या फिर डालते हो, तो जिस पॉइंट पर वो गिरती है बेटा, वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। मीन्स सी एम और एम डी आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब पढ़ा है, अगर जिसने वो थ्योरम नहीं पढ़ी है पहले उस थ्योरम को समझो, ठीक। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे परपेंडिकुलर गिरता है और जहां पे ये बाइसेक्ट होती है,
वो पॉइंट कहलाता है क्या? मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीखने वालेंगे सीखने जाएंगे बेटा। तो ठीक है, प्रूफ समझते हैं इसका। अच्छा एक काम हो सकता है, प्रूफ को समझने से पहले अगर हमें दिमाग चलाएं, तो आपके सामने ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये कैसे ट्रायंगल हैं? तो आंसर ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बैठे, एक बात बताना सोच समझ के, अगर मैं ओ ए और ओ सी को आपस में इक्वल कर दूं, जो कि है, और सी एम और ए एल को इक्वल कर दूं, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, इक्वल नहीं है ये वाली, ये दो पार्ट्स इक्वल नहीं है, लेकिन कर देंगे जुगाड़ लगा के। और ये एंगल ओ एम सी और ओ एल ए, ये एंगल आपस में इक्वल है, क्यों? ईच 90 डिग्री। तो बेटा इन तीन चीजों की मदद से हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉनकरेंट प्रूव कर सकते हैं। कौन से कॉनकरेंसी से? आर एच एस कॉनकरेंसी से। ठीक, तो बाय सीपीसीटी हम कह देंगे कि ओ एम और ओ एल आपस में इक्वल है, हमारा काम हो गया नहीं हो गया। तो हमें फिर ये पहले ये भी तो प्रूफ करना है कि सी एम और ए एल आपस में इक्वल है कि भी नहीं है भाई। हमें तो क्वेश्चन में ए बी और सी डी गिवेन है इक्वल, ए एल और सी एम थोड़ी नहीं इक्वल है, ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं, पहले इनको प्रूफ करना होगा। तो इतनी बात आपके दिमाग में दौड़ जानी चाहिए बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया वाला प्रूफ। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये चीज आपके क्लास 10th में काम आने वाली है, ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ। देखो अब सुनना ध्यान से, देखो कॉर्ड ए बी पर एल क्या है बताओ, सोचो। तो आप कहोगे सर कॉर्ड ए बी पर ओ से परपेंडिकुलर जा रहा है, और ये परपेंडिकुलर जब जा गिरता है यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ये हमने प्रूफ सीखा है, और ये पॉइंट कहलाता है मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो एल क्या हो गया? एल ए बी के लिए मिड पॉइंट हो गया, डेट मीन्स ए एल इक्वल टू एल बी, ए एल और एल बी आपस में इक्वल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो ए एल है, एक बात बताना, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है कि नहीं है? ए एल और एल बी बराबर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि ये जो ए एल है छोटी वाली, ये इस पूरे वाले कॉर्ड का आधा हिस्सा है, कह सकते हैं। फिर से मैंने कहा कि ये जो ए एल है, ये इस पूरी कॉर्ड का आधा हिस्सा है, क्योंकि ये इक्वल है ना, इसीलिए तो हम इसको आधा हिस्सा प्रॉपर कह पा रहे हैं, है कि नहीं है? जैसे आप कोई एक लाइन ड्रॉ करो, या फिर एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं फटाफट से। एक हमने पर्क ली, चॉकलेट ली पर्क, और हमने उसको बीच में से तोड़ दिया, जस्ट एकदम सेंटर से। ठीक, तो वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो आप ये कहोगे कि यार मेरे पास इस पूरी चॉकलेट का आधा हिस्सा है, ये तो कहोगे मेरे पास इस पूरी चॉकलेट का आधा हिस्सा है। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे कि ये जैसे मान लो ये ए बी पूरी एक पर्क है, और आपने ये इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, ए एल और एल बी में। तो आप ऐसे तो कहोगे कि यार ए एल जो है वो इस पूरी चॉकलेट का ए बी का आधा हिस्सा है यार। तो ए एल जो है ये इस पूरी ए बी का चॉकलेट का आधा हिस्सा है, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक, समझ में आई? अब एक काम करें, इस टू को यहां ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2 ए एल। ठीक, अब इसका सेंस क्या बन रहा है सर? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये जो पूरी चॉकलेट है, अब मैं इसको उल्टे तरीके से बोल रहा हूँ, ये जो पूरी चॉकलेट है ये इस आधे हिस्से की दुगनी है, क्योंकि तो इसको आधे को और आधे को मिला देंगे तो पूरी चॉकलेट बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो ये जो ए बी है ये ट्वाइस है ए एल की, इसका सेंस ये बन गया। ठीक, ये मैंने ऐसा क्यों करा है इसका अभी रीजन पता चलेगा। तो यही जो मैंने कहानी यहाँ पे बोली है ना, यही बेटा सेम कहानी हम इस मिड पॉइंट के लिए चलाएंगे, एम के लिए। तो सुनना ध्यान से,
के लिए एम क्या है, एक मिड पॉइंट, तो सी एम इक्वल टू एम डी, सी एम और एम डी आपस में इक्वल होंगे। और मैं कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि सर सी एम जो है ये आधा हिस्सा जो है इस पूरी चॉकलेट सी डी का हाफ है, बिल्कुल सही बात है। फिर आप कहोगे सर जो हमने इसमें करा था वही हम इसमें कर देंगे, कि टू का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो पूरी चॉकलेट है ये इस आधे हिस्से की दुगनी है। बिल्कुल सही बात है भाई, दुगनी तो होगी, ये आधा है और ये आधा है, दोनों बराबर ही तो हैं। प्रैक्टिकली सोचो अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हुए, तो यहां से हमने ए बी और सी डी को, मतलब हमने इसको ए बी और सी डी को इस फॉर्म में क्यों लिखा, रीजन ये है, ये मैंने एरो बना के यहाँ पे लिखा है कि बेटा हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो जब मैं इसको और इसको आपस में इक्वल रखूंगा तो टू ए एल और टू सी एम भी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, सर सही बात है बिल्कुल होंगे, तो टू से टू कैंसिल कर दूंगा मैं, तो ए एल अब सी एम के बराबर आ गया। अब मजा आया थोड़ा सा, क्या हुआ ए एल और सी एम आपस में इक्वल हो गए, जो कि हमें करने थे, यही हमारा टारगेट था, और तो कोई बेटा टिकड़म लग नहीं सकती है। आपके मन में कोई और हो तो मुझसे शेयर जरूर करना, अच्छा लगेगा, मुझे तो यही टिकड़म अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब ये इक्वल हो गई। अब जो हमने पहले चीज सोची थी ना कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उठा के कर दो फटाफट, क्या किस बात की देरी है। तो ट्राइंगल कौन से कंसिडर कर रहा हूँ मैं, सिस्टमेटिक वे में नाम लिखेंगे ट्राइंगल्स के, वो ऐसा करते हैं ओ सी एम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्राइंगल ओ सी एम और ट्राइंगल ओ ए एल, परफेक्ट, ट्राइंगल ओ सी एम और ट्राइंगल ओ ए एल में क्या क्या है, ओ सी और ओ ए आपस में इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सी एम और ए एल आपस में इक्वल हो गई, ये रही हो गई इस ट्राइंगल की सी एम और इस ट्राइंगल की ए एल, ये आपस में इक्वल हो गई, रीजन प्रूफ है, अब ये हमने सब प्रूफ जो करा, ये पूरी राम कथा जो लिखी है ये हमने प्रूफ करी है। उसके बाद ये एंगल, एंगल ओ एम सी और एंगल ओ एल ए, एंगल एम की जगह आप लिख सकते हो एंगल ओ एम सी और एंगल ओ एल ए, ये आपस में इक्वल है ईस्ट 90 डिग्री। तो बेटा सुनना ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो गई, कोई सी भी साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल आर एच एस कॉन्करेंसी से, आर एच एस रूल से कॉन्करेंट हो गए। तो बाय सी बी सी डी हम कह सकते हैं बेटा कि ओ एम जो है वो ओ सी के, ओ एम जो है वो ओ एल के बराबर होगा बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यहां से एक सेंस ये बनता है कि भाई ये जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है, क्योंकि तो ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल आ गई ना, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गई ओ एम और ओ एल, तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने वाली वो ये चीज है, इस चीज का आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये जो मैंने कहानी जो लिखी है ना, ये एकदम माइंड में अपने एकदम बैठाल के रख लो किसी कोने में, बहुत यूज होने वाला है इस चीज का। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें फटाफट कि हमने क्या पढ़ा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल की वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है, करेक्शन कर लेना, सर्कल की जगह सेंटर कर देना। ठीक है, मुझे गिवन क्या क्या है वो मैंने लिख लिया, सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ओ एल या फिर कह सकते हो ओ एम और ओ एल आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। ये क्या है, डिस्टेंस है। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा मैंने करा कि ओ सी और ओ ए को मैंने जोड़ दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या हम ओ डी और ओ बी को नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ दो, बात एक ही है, एक ही बात है, हमें तो एक ही को जोड़ना है, या तो इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, प्रूफ में हमने क्या देखा, एक लॉजिक लगाया कि भाई एल एक मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, क्यों, क्योंकि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, रीजन जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पर तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है।
प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो एल अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ए एल इक्वल टू एल बी, वो तो सही बात है। और हम अदर सेंस में ये कह सकते हैं कि बेटे ए एल जो है हाफ है इस पूरी चॉकलेट ए बी का। फिर हमने क्या करा, अपनी जुगाड़ के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए एल के बराबर आ गई। यही सेम कहानी अपने यहाँ करी, एम मिड पॉइंट है सी डी पर, तो हम कह सकते हैं कि देखो सी एम और एम डी आपस में इक्वल है, ऑल्सो सी एम जो है वो सी डी का हाफ है, ठीक है, इस पूरी चॉकलेट का हाफ है सी एम। फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी जो है वो ट्वाइस ऑफ सी एम के बराबर आ गया। फिर से हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवेन है कि बेटा ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, इसको ऐसा करना नीचे लिख देना, ऐसे करने के बजाय हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए स्कूल में, टीचर को अच्छा नहीं लगे, तो इसको नीचे लिख देना लाइन से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो 2 ए एल और 2 सी एम भी आपस में इक्वल होंगे, तो ए एल और सी एम आपस में इक्वल हो गए, 2 से 2 कट गया। जब ए एल और सी एम आपस में इक्वल हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। ओ सी और ओ ए आपस में इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सी एम और ए एल आपस में इक्वल है, ग्रुप डेव और एंगल एम, या फिर आप कह सकते हो एंगल ओ एम सी या ओ एल ए, ये भी आपस में इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ओ सी एम और ट्राइंगल ओ ए एल ये कॉन्ग्रेंट हो गए आर एच एस रूल से, तो बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं ओ एम और ओ एल आपस में इक्वल है। इसका सेंस क्या है कि ये कॉर्ड दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है सबको? आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस थ्योरम रिटायर।